आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट कोरोना काल में राज्य सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किया कि अभिभावकों से मासिक शुल्क लेने के लिए दबाव नहीं बनाया जाए, पर निजी विद्यालयों ने वार्षिक शुल्क की मोटी रकम अप्रैल महीने में वसूली। हद तो यह हुई कि मासिक शुल्क भी वसूला गया, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी फी। नए सेशन में बच्चे एक भी दिन विद्यालय नहीं गए, पर अप्रैल और मई महीने में स्मार्ट क्लास समेत कई सारे अतिरिक्त शुल्क भी विद्यालयों ने वसूल लिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पटना में सबसे बड़े धर्मात्मा बनने वाले एक महानुभाव का विद्यालय, जो केवल ज्ञान ही बांटता है, सबसे ज्यादा अभिभावकों का शोषण किया है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जो अभिभावकों के साथ भी नजर आए हैं, जिन्होंने अभिभावकों के किस्तों में शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, पर आज की इस घटना ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो विशप स्कॉट्स गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरहमपुर जगनपुरा पटना का है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, निजी विद्यालय अगर दुकान है तो अभिभावक ग्राहक और दुकानदार अपने ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है यह बताने की जरूरत नहीं। आधुनिकता की चकाचौंध में विद्यालय ज्ञान के मंदिर भर ही नहीं रह गया, सच में दुकान बन गया है जहाँ सब कुछ बिकता है। सिर्फ मानवीय संवेदना को छोड़कर सरकार भी इन शिक्षा माफियाओं के हाथ की कठपुतलियां है। बिहार में कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए, इसलिए सरकार ने झूठ मूठ का आदेश जारी कर दिया कि कोरोना काल में अभिभावकों से फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लास के खेल में सरकार भी शामिल हो गई और ये आदेश जारी कर दिया गया कि जो विद्यालय ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उन्हें पूरी फीस दी जाए। अब कुछ विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश विद्यालय मासिक फी की जगह अप्रैल महीने में लिए जाने वाले वार्षिक शुल्क को बलपूर्वक वसूल रहे हैं। हथियार बनाया गया विद्यालय के शिक्षकों को। विद्यालय प्रबंधन द्वारा कहा गया कि अगर फी नहीं वसूला गया तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। बेचारे शिक्षक अभिभावकों को फोन कर करके गिड़गिड़ाते रहे और जेब भरती रही शिक्षा माफियाओं की। आज ये स्थिति हो गई हम लोगों की। मतलब हम लोग आप लोग के चलते ये गलत चीज है, ये गलत है, ये गलत है। मैं यहाँ एडमिन हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ सर। नहीं, ये तो पता चले, ये पता चले। नहीं, इस तरह का बनाना भी गलत है ना। इस तरह से मोबाइल छीनने का एक जेंट्स होके लेडीज को बोल रहे हैं कुछ मिसबिहेव किया है, ये तो गलत इशू है ना। नहीं नहीं, इनसे ना पूछिए कि ये क्या हुआ, ये आखिर क्या हुआ। मैम, जो भी तोड़ा गया है बैठ जाइए, हम आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाल रहे। सर, ये आप लोग सर, आप रिक्वेस्ट, आपको वीडियो बनाना है आप बनाइए। 3 महीने का फी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम लोग फी ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फी में हमारा फ्यूल का खर्चा नहीं हो रहा है, हमने 20% माफ किया है। और इसके आगे 1 एकड़ के सर बात कर रही है, लोन पा पा रही है ना, 1 एकड़ बोलिए। जब ये रिक्वेस्ट कर रही है तो आप भी बात कीजिए सर, जेंटलमैन के चलते रिक्वेस्ट कर मेरे पास भी कैमरा है ना मैम, मेरे पास भी कैमरा है, मैं कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड चेक करूंगा ना मैम। ठीक है, आपको बोलने से पहले मैं आपको यू आर लाइंग सर, आप लोग रिक्वेस्ट करके एक बार आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे चिल्लाने से कोई
कोई भी चीज सॉल्यूशन नहीं निकलता है। प्लीज सर, सॉल्यूशन तो आप बोलिए। Yes, ma'am. School, no. Yes. How dare you? You are making video in this. नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। हम आपको बताएं। हाँ बताइए। आप अप्रैल मंथ में फी नहीं दी, मई मंथ में नहीं दी, जून में नहीं दी। नहीं दी। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरी बात बताएं। ओके, ओके। जो वीडियो बनाना है बनाइए। ओके, और एक सेकंड। हेलो मैम, संजीव जी को भेजिएगा। मैम बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हाउ डेयर यू आर मेकिंग वीडियो ओवर हियर। क्यों मैम? नो मैम, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन फी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं। ओके, और हम लोग वो लेंगे, बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, GPS जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, फिर आप इस तरीके से हम लोग को क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर डे मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले नहीं दिया। बिल्कुल मैसेजेस है हमारे पास, कॉल्स है हमारे पास। क्यों नहीं बनाऊंगी? नहीं बिल्कुल पढ़ाना है, पढ़ाना है तो ही तो। नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट।